भारत में गो गोयरा या फिर विश खोपड़ा के नाम से जाना जाता है? गोपा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण के माध्यम से हम सांपों को और मुश्किल में फंसे अन्य वन्य जीवों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम ऐसे ही नितिन सोनोने धाराशिव जिले के कौटा गांव में आए हैं। नितिन सोनोने इनका खेत है, यहाँ पर खेती का काम चल रहा है। दोस्तों, बारिश कम गिरी है, लेकिन फिलहाल खेती का जो बचा कुचा काम है बारिश बंद होने के कारण वही काम चल रहा है। और ऐसे में अभी पिछली बार जो बारिश गिरी थी उसकी वजह से खेत में ज़्यादा दिन लोग आए नहीं थे, और ऐसे में जो सांप है या फिर कोई जीव है ऐसे ऐसी जगह अपने छिपने के लिए बना लेते हैं। तो जब ये खेत पर ये लोग आते हैं, किसान लोग, तो उनको दिखाई देते, तो हमसे कांटेक्ट करते। तो ऐसे ही एक जगह पर ये जो लाइट का बोर्ड देख रहे हैं, ये डीपी है, शायद करंट का सप्लाई है। इसके अंदर एक सांप या फिर कोई जीव है, पता नहीं है, एक बैठा है। हम इसे बाहर निकालेंगे दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। करंट चालू है? नहीं नहीं काय पीसी फुट खा लेंगे और कौन गड़बड़ हां। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक मॉनिटर लिजार्ड है जो कि भारत में गो गोयरा या फिर विश खोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी अफवाहें हैं इनके नाम पर। हम इसे बाहर निकालते हैं पहले और फिर इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। वडल्यावर दाबून गरज नाही, थांबा जरा मी काढतो बरोबर इकडे। मी म्हणलं असं वरी जाऊ कसं नाही कसं इकडे बाय। एक पाय कटला त्याच्यात तो दोस्तों देख सकते हैं, एक मॉनिटर लिजर्ड, इसे विश खोपड़ा के नाम से जाना जाता है। ये इसकी केंचुली निकल रही है दोस्तों, और इसकी वजह से ये शांत है फिलहाल। तो ये पूरी केंचुली निकल रही है इसकी, और ये भी रेप्टाइल की कैटेगरी जो कि हमारे सरीसृप यानी कि सांप जो जिस कैटेगरी में आते हैं वही कैटेगरी में ये भी आते हैं। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, अंधविश्वास है, जो कि ये पूँछ से काटा मारता है तो फिर या नामर्दानगी ऐसे कुछ होती है, और फिर जो कि बाइट कर ले, कुछ इलाकों में बाइट कर ले तो इसके दांतों में या फिर जीभ में एक विष होता है, जो कि एक इसकी वजह से इसका नाम है विष खोपड़ा। और
यही नाम की वजह से इसे ज़्यादातर ये जीव बदनाम है, और इनका कारण यही है कि इनका जी जो इनकी मौत है, मौत का जो मेन कारण है यही है। लोगों के अंदर इन जीवों के बारे में अफवाहें, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, और ये एक साधारण सा जीव है, बहुत खूबसूरत सा जीव है दोस्तों, बस लोगों ने इसके बारे में एक अफवाहें फैलाई है और इसकी वजह से आज इसकी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है, धोखे में है। तो हम इसे लेकर चलते हैं सुरक्षित जगह पर दोस्तों, और छोड़ देंगे सुरक्षित जगह पर। बहुत ज़्यादा और एक बात इसके बारे में हमें कहनी है दोस्तों, ये जो जीव है ये क्लाइमेट यानी कि वातावरण के अनुसार ढलते हैं, जो कि अगर इनको अच्छी क्लाइमेट मिले तो ये फल सकते फूल सकते, अगर इनको अच्छा वातावरण ना मिले तो इनकी प्रजाति धोखे में आ सकती है। और ऐसे में लोग इनके बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, शायद खाते हैं कुछ जगह पर, ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। ये खाने के लिए नहीं बना है दोस्तों, इनका भी एक किरदार है, एक अपने जो नेचर में है एक बहुत ही बड़ा किरदार है। इसकी वजह से आज ये प्रजाति को हमें बचाना है और ज़िंदा रखना है दोस्तों। खाने के लिए मुर्गी है जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम, वही ठीक है दोस्तों। इसे खाना मतलब एक हम गद्दारी कर रहे हैं हमारे नेचर से, ये गलत बात है दोस्तों। खाने के लिए आदमी को इंसान भी नहीं पूरेगा, इंसान इंसान को भी खा सकते हैं, ऐसी बात है। तो हम इन्हें बचाएंगे दोस्तों, और जितना हो सके मेहनत करके इनको आगे इनकी नस्ल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में जो कि जो भी अफवाहें ये भी निकाल देंगे दोस्तों। तो इसको लेके चलते हैं अभी सुरक्षित जगह पर, छोड़ देंगे।